आया था सबसे पहले, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग से पहले, आपके लिए डिस्प्ले लेकर आया था। तो हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट को देखना है। किसको देखना है? बैलेंस शीट को देखना है। तो मैं बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं एक फॉर्मेट बना लूं। फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कैसे बनेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो ये टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 6 मार्क्स का तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, और आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं। जर्नल एंट्रीज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जर्नल एंट्रीज आप फ्री कर पाओगे अगर आपको अकाउंट आता होगा। तो जर्नल एंट्रीज का भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसी वजह से मैं उसको अलग से बनाने वाला हूँ लेक्चर। तो फिलहाल आप पहले अकाउंट बनाना सीखो अच्छे से, तो अगर अकाउंट आ गया तो आपको अकाउंट आता होगा। तो मेरे पास क्या है, एक बैलेंस शीट है। मैंने बैलेंस शीट को देखकर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने एसेट साइड पर लिख लेना है, सारे के सारे एसेट्स लिखने हैं इनको छोड़कर। तो कौन कौन से एसेट्स हैं हमें दिया हुआ है? लैंड, स्टॉक, डेटर्स, नंदास कैपिटल। वेरी गुड, ये तो पहले ही क्वेश्चन में हमें सोने पर सुहागा मिल गया कि मैंने बात की थी कि हमें किसी पार्टनर की कैपिटल एसेट साइड पर भी मिल सकती है, और मिल गई बाय चांस, और कैश आ गया उसके बाद। तो हमारे पास 5 एसेट्स गिवन है, जिसमें से हमने ना तो नंदास कैपिटल लेनी है और ना ही कैश लेना है। लेना क्या है? पहले 3 एसेट्स, मतलब लैंड, स्टॉक एंड डेटर्स। तो हमने लिखना क्या है? टू लैंड, टू स्टॉक, टू डेटर्स। कितनी अमाउंट के साथ? 81,000। कितना? 81,000, 56,760 एंड 18,600। तो ये हमें गिवन है हमारी बैलेंस शीट में। मैंने सेम अमाउंट ली, मैंने आपको बताया कि हमने बुक वैल्यू लेनी है। उसके बाद हमारे पास आया लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पर भी 2 पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, हमने कैपिटल लेनी है? नहीं। उसके बाद आ गया बैंक लोन। बैंक लोन लेना है? बिल्कुल। बैंक लोन कितना है? 20,000। तो मैंने लिखा यहां पर बाय बैंक लोन, कितना? 20,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास आया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने? 37,000। तो मैंने क्रेडिटर्स लिखे कितने? 37,000। क्लियर। उसके बाद मेरे पास आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या सर प्रोविजन को भी लेना है हमने या नहीं लेना? आपने वहां पर कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बोला है आपको प्रोविजन को लेना है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, आपको कई बार क्या होता है, आपको डेटर्स में से भी लेस करके दिया होगा प्रोविजन। कई बार क्या होता है, हमें एसेट साइड पर दिया होता है डेटर्स इतने के, लेस प्रोविजन इतनी। जैसे यहां पर 18,600 के हमारे पास डेटर्स है, और लेस करके प्रोविजन हमें यहां पर दिया होता 17,400 रुपए के डेटर्स। तो हमने क्या करना था, फिर भी हमने ऐसे ही ट्रीट करना था। आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, और आप नेट कैलकुलेट करके भी कर सकते थे। मतलब आप प्रोविजन को ना लिखकर आप सीधा ही लिख सकते थे टू डेटर्स 17,400। मतलब इन दोनों को आपस में माइनस करके भी लिख सकते थे। उसके बाद हमारे पास क्या आया? जर्नल रिजर्व। क्या रिजर्व को हम लिखेंगे? नो सर, रिजर्व तो आपने स्पेशली बोला है नहीं लिखना। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो ये कौन कौन सी आइटम्स हमने लिखी जो इसमें हमने नहीं लिखी थी? हमने इसके अकॉर्डिंग इतना क्वेश्चन हमारा
कर लिया। अब हम करेंगे आगे का क्वेश्चन, हमने आगे कैसे सॉल्व करना है। तो आगे हमने क्या करना है, पहले हमने एडजस्टमेंट पढ़नी है। तो हमारे पास पहली एडजस्टमेंट क्या है, द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीस 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। हमारे पास टोटल स्टॉक कितने का है, 56,760 रुपीस का, जो हमने यहाँ पर लिख लिया 56,760 रुपये। उसमें से 41,660 रुपये का स्टॉक क्या हुआ, शिल्पा, शिल्पा एक पार्टनर है हमारी, उसने क्या बोला कि मुझे 35,000 में ये स्टॉक दे दो, बाकी का लॉस हो जाएगा अगर आप मार्केट में बेचोगे, सस्ता बिकेगा या कुछ भी, उसने कोई भी रीज़न दिया, हमने उसे 35,000 में वो स्टॉक दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, और वो बोली कि बैंक लोन के पैसे मैं अपनी पॉकेट में से पे कर देती हूँ। हमने बोला ओके ठीक है आप पे कर दो। उसके बाद क्या आया, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000, हमारा जो स्टॉक बच गया था वो हमने कितने का सेल कर दिया, 14,000 का, और डेटर्स अमाउंटिंग 10,000, टोटल डेटर्स कितने हैं 18,600 के, उसमें से 10,000 वाले डेटर्स को हमने हमको 8,000 रुपए दिए और लैंड हमने सेल कर दिया 110,000 का। रिमेनिंग डेटर रिलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1200। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमने अगर किसी एसेट को रियलाइज किया, चाहे किसी थर्ड पर्सन को बेचा चाहे कोई पार्टनर लेकर गया, तो हमने उसको इस साइड पर लिखना है, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में, और अगर हमने कोई लायबिलिटी को पे किया तो इसकी ओपोजिट साइड पर लिखना है। तो अगर मान लो हमने सबसे पहले क्या गिवन था कि जो स्टॉक है वो किसने लिया, शिल्पा ने 35,000, अगर तो कोई पार्टनर लेगा, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब मैंने एडजस्टमेंट स्टार्ट की, तो अगर कोई पार्टनर लेगा तो मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा बाय शिल्पाज कैपिटल। मैं अपनी नॉलेज के लिए रीचेक करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ स्टॉक, क्योंकि उसने क्या लिया था, स्टॉक लिया था, कितने का लिया 35,000, तो मैंने यहां पर 35,000 लिख लिया। उसके बाद जो हमारा लोन था बैंक लोन, वो भी शिल्पा बोली मैं पे कर देती हूं, तो बैंक लोन इधर गिवन है तो हमने इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में आना है टू शिल्पाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शिल्पा पे कर रही है, इसी वजह से मैं शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को लिख रहा हूं। मैं अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर बैंक लोन लिख लेता हूँ, कितने का 20,000। तो सर इसको नहीं कम पे किया, अगर कम पे किया होता तो हमें यहाँ पर बताया होता कि हमने 19,000 पे किया, 19,500 पे किया या कुछ भी, अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप सेम वैल्यू लोगे। उसके बाद आया रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000, जो बचा हुआ स्टॉक था, जो स्टॉक पहले थोड़ा सा शिल्पा ने ले लिया, अगर कुछ बचा है वो क्या हुआ, हमने सोल्ड किया कितने का, 14,000 का। तो जो मैंने किसी और को बेचा जिसके बदले मेरे को पैसा मिला, तो उसे मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश, उसके अंडर लिखूंगा स्टॉक कितना, 14,000। ये मैं अपनी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, वैसे बाय कैश के सामने मैं टोटल करके डाल सकता हूं जितनी भी मैंने एसेट सेल की है, लेकिन आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, और इसके आगे आप टू और बाय नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ बाय कैश के आगे लिखा जाएगा। तो बाय कैश कहां से आया, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को सेल किया तो आप बाय कैश लिखोगे या बाय बैंक लिखोगे, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लिया तो आप पार्टनर का नाम लिखोगे। अगर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का नाम, अगर आपने थर्ड पर्सन को सेल किया तो आप बाय कैश लिखोगे। तो इसके बाद हमारे पास आया, डेटर्स ने हमें 8,000 रुपया दे दिया, तो ये भी हमारे पास पैसा आया, तो मैंने यहां पर लिख लिया डेटर्स का 8,000। उसके बाद मुझे क्या दिया, लैंड हमने सेल कर दिया
10,000 का, लैंड 1,10,000 का मैंने सेल कर दिया। उसके बाद मुझे क्या दिया है, रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 50% एट द बुक वैल्यू। हमारे पास कितने के डेटर्स हैं, हमारे पास थे 18,600 के डेटर्स, उसमें से 1200 रुपए की हमारे पास प्रोविजन थी, तो हमारे पास नेट डेटर्स कितने के बचे, 17,400 के। 17,400 में से 10,000 वाले ने हमें 8,000 ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारे पास कितने के डेटर्स रह गए, कितने के रह गए, 7,400 के। तो 7,400 के डेटर्स ने हमें कितना पैसा दिया, 50% दिया। तो 50% का मतलब क्या हुआ, 3,700। तो जेडे जो बाकी डेटर्स रह गए उसका मैंने 3,700 यहाँ पर लिख लिया। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने कैसे किया। मेरे पास टोटल डेटर्स थे, मैंने यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ, मेरे पास टोटल डेटर्स थे 18,600, जिसमें से 1200 रुपए की मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन बना रखी है। उसमें से 10,000 वाले ने मेरे को 8,000 दे दिया, चलो जो भी दे दिया, वो बंदा तो चला गया मेरे पास से, मतलब अब मैंने कितने पैसे लेने हैं, 7,400। इसका 50% मुझे और मिला, मतलब टोटल कितना मिला, 3,700। तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा, 3,700 रुपये लिखा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको मोस्टली दी होगी, ये मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगी कि हमने रियलाइजेशन की। ये तो है नहीं आप घर बैठे ही सारा काम कर दोगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हम एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर का काम क्या होगा, लिक्विडेटर का काम ये होगा, वो हमारे सारे एसेट्स को सेल करेगा और हमें वो पैसा देगा फाइनल सेटलमेंट करके सारी की सारी। तो उस लिक्विडेटर को भी हमने कुछ ना कुछ देना होगा, तो वो सारे खर्चे मिलाकर हमें 1200 रुपये पे करने पड़ गए। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू कैश, क्योंकि मैंने पे किया। जब शिल्पा ने पे किया तो मैंने शिल्पाज कैपिटल लिखा, अब मैंने पे किया तो मैंने यहाँ पर लिखा टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन हो सकती है, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है सेम ही चीज है, 1200 रुपए। उसके बाद हमें क्या गिवन है, देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब एक टाइपराइटर था हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। जब हम बंद करने लगे, स्टोर रूम में पड़ा था, हमने क्या किया, उसे सेल करना चाहा, तो रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ 6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। एक क्रेडिटर था हमारा, हमने टोटल 37,000 क्रेडिटर्स को पैसे पे करने हैं, उसमें से 6,000 का वो टाइपराइटर ले गए, हमने कितने अभी देने हैं बैलेंस, 31,000। आपको समझ आया कुछ, अगर हमने इस चीज को, आपको मैं ज्यादा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल के लिए आप ये समझो कि अगर आपको टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड था और आपने वैसे किसी पर्सन को सेल किया होता तो हम यहाँ पर टाइपराइटर लिख लेते 6,000 रुपए का। लेकिन अभी क्या हुआ, किसी क्रेडिटर ने उसे टेक ओवर कर लिया, किसी क्रेडिटर ने उस टाइपराइटर को ले लिया। अगर किसी एसेट को हम किसी लायबिलिटी के बदले दे देते हैं तो उसको हमने अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, मतलब हमारे इस रियलाइजेशन अकाउंट में उन दोनों की कोई एंट्री नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसमें आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपको मैं रिपीट करता हूँ, आप समझो कि अगर कोई भी लायबिलिटी हमारी जिसको हमने पैसे देने हैं, अगर वो अपने पैसे के बदले हमारा कोई एसेट ले लेता है, तो हमने यहाँ पर उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। और अगर हमने उसी टाइपराइटर को कैश के बदले सेल किया होता या कोई पार्टनर लेकर गया होता तो हमने इस साइड पर उसे लिखना था। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम
इसके बाद क्या आया, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, उन्होंने तो बोल दिया रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, लेकिन हम देखेंगे क्या हमने सारी की सारे एसेट सेल करके सारी की सारी लायबिलिटीज पे कर दी, क्योंकि हमने तो इसीलिए बनाया है ये अकाउंट क्योंकि हमने सारे एसेट बेचने हैं और हमारी लायबिलिटीज को पे करना है। लैंड सेल हुआ, बिल्कुल जी, हमने 110,000 का सर इसे सेल कर दिया, हमें तो फायदा हो गया इसमें। स्टॉक आ गया, स्टॉक का हुआ, बिल्कुल जी, स्टॉक दो बार, एक बार शिल्पा ले गई और एक बार हमने मार्केट में सेल कर दिया। उसके बाद आया डेटर्स, डेटर्स से भी सर पैसे आ गए, चिंता की कोई बात नहीं। चलो इधर आते हैं, बैंक लोन पे कर दिया, हाँ जी सर, बैंक लोन शिल्पा ने पे कर दिया था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने अभी तक पैसा ही नहीं दिया, तो हम कैसे बोल सकते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट सेटल हो गया। तो हमने, अगर हमें हमारी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होगा तो हमने सेम वैल्यू से यहाँ पर लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिटर्स कितने का, 31,000, लेकिन सर आपने तो वहां पर 37 लिखा है, तो यहाँ पर 31 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने 6,000 का उनको क्या दे दिया, टाइपराइटर दे दिया, इसी वजह से मैंने 31,000 लिखा। और सर उसके बाद आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमने नहीं लिखा है, ये भी हमने नहीं लिखा है, लेकिन हमने इसको लिखना भी नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रोविजन किसके लिए बनाई थी, हमारे बिजनेस के लिए बनाई थी और बिजनेस को पैसा थोड़ा ना पे करना है हमने, इसी वजह से ऐसी कोई चीज हमारी, कोई प्रोविजन, या फिर जैसे मैंने इन आइटम्स को लिखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्लांट डेप्रिसिएशन रिजर्व, मतलब किसी एसेट के रिलेटेड अगर हमने कोई रिजर्व बना रखा है तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसी साइड पर लिखना है, बाकी सारी आइटम्स हमारी दो बार आनी चाहिए, मतलब एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड, एक बार क्रेडिट साइड तो एक बार डेबिट साइड, क्लियर आपको। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने इसका आंसर कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा इसका, आंसर में हमने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, सबसे पहले मैं यहां पर इसका टोटल कर दूं 32,200। उसके बाद आया हमारे पास 135,700 रुपये, इस साइड का टोटल, इस चीज का टोटल बन गया। उसके बाद हमने सर टोटल कहां से कहां तक करना है, पहली अमाउंट से लेकर हमने एंड वाली अमाउंट तक टोटल करना है। तो इस साइड का टोटल कितना बना, इस साइड पर हमारे पास पहली अमाउंट है 81,000, फिर उसके बाद आया 56,760, बन गया 137,760, फिर 18,600, फिर 20,000। आपको पता है ना कैलकुलेटर सिर्फ पंजाब बोर्ड वालों को अलाउड है, CBSE वालों को अलाउड नहीं है। तो इस साइड का टोटल बन गया मेरा 208,560 रुपये। इसके बाद आया मेरे पास क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड पर बन गया 57,000, 58,200 प्लस 35,000, ये बन गया 93,200 प्लस 135,700, तो 228,900 रुपये मेरा बन गया इस साइड का टोटल, 228,900 रुपये बन गया मेरा इस साइड का टोटल। और अब मैंने दोनों साइड का डिफरेंस निकालना है 208,560 रुपये, तो 20,340 रुपये। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, ये वाली, आपको ये तो इतना तो हमें पता चल ही रहा है, ये चीज 208,000 है और ये 228,000 है, तो 20,340 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इस साइड को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो हमने इस साइड पर लिखना है टू प्रॉफिट, क्या लिखना है, टू प्रॉफिट। अगर ये साइड इंक्रीज हो जाती तो हमने लिखना था बाय लॉस, और इस प्रॉफिट को हमने अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो हमें गिवन है 3:2:1। तो मैंने यहां पर लिख लिया, पार्टनर्स के नाम है शिल्पा, मीना एंड नंदा, शिल्पा, मीना एंड नंदा, और रेशियो है 3:2:1। तो मेरा आंसर आया
आंसर आया 20,340 इंटू 3/6, तो इसको मिला 10,170 रुपये। उसके बाद आया मेरे पास 2/6, 2/6 करके आया 6,780 रुपीस। उसके बाद हमारे पास आया 1/6, 1/6 करके आया 3,390 रुपीस, और टोटल बन गया हमारा 20,340, और दोनों साइड का हमने टोटल कर दिया 208,560 रुपये। इतना 208,560 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन कौन सा, रियलाइजेशन का। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको जरूर करने हैं। और साथ में ही ये टॉपिक यहीं पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको और भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और साथ में हम जर्नल भी करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।